जादू। तो गाइस हमारा झंडा लग चुका है, दाल ऑलमोस्ट ना भून चुकी है। तो हमारी दाल बन चुकी है, अब कराते हैं मामा को टेस्ट। अब बोलिए ना, तीन बार खा लिया, इतनी टेस्टी लगा। राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ना हमारे यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है, बाहर मौसम ना एकदम बादल बादल जैसा हो रखा, पूरा बादल ही बादल हर जगह। और इधर हमारी सोना को देखो कैसा ना जादू बने फिरा, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। और इसको देखो, ओ जादू 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 कैसा लग रहा तुझे जादू बन के? पर आज तो धूप ही नहीं है बाहर, है आज तो तेरा जादू चलने का नहीं, आज तो धूप ही नहीं है बाहर। होता तो देखो अपनी लैंग्वेज में कौन सी भाषा में बोल रहा है ये। तो चलो हम ये झंडा ऊपर लगा के आते हैं जो कि कल हमारा गिर गया था। चलो सोना छत पे चलो झंडा लगाने, बोलो जय, बोलो जय, बोलो सोना। चलो छत पे चलो फिर आ जाओ, चले लेके चले से। तो गाइस अभी आ गए तुम छत पे, और छत पे आते ही देखो हमें कौन मिल गए थे, वानर सेना। और हमारे पास भी हमारा वानर सेना है। ओए सेना, वो देखो मंकी, वो देखो मंकी, कौन है ये? हैं? ओह वो देखो कबूतर भी आ रखा है यहाँ पे, सारे पशु पक्षी आते हैं यहाँ पे, है ना सेना? टाटा नहीं करना उसे, बुला लो उसे इधर। तो सोना कबूतर के साथ खेल रही, ये जो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे था हमारा झंडा जो कि गिर गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि नाना के छच्छे वाला पाइप ले लूँ और इस पे लगा दूँ। तो सोना ने ना डंडा पकड़ लिया था वहाँ पे मंकीज को मारने के लिए, पर वो भाग गया। और कबूतर भी भगा दिया तूने, ये क्या बात हुई? हाँ दादा करती है यहाँ पे। तो चलो अब इस पे लगाते हैं झंडा। और मौसम देखो यार, और दोबारा से ना बारिश बुरिश पड़ने लग गई, कल पूरी रात भर बारिश हुई थी, ऊपर देखो पूरे बादल बादल हो गए। तो अभी लगाते हैं इसमें झंडा फटाफट से और चलते नीचे, इससे पहले हम पूरे भीग जाएं। तो गाइस हमारा झंडा लग चुका है, देखो क्या मस्त लहरा रहा ना, जय श्री राम। और वहाँ पे देखो भक्त भी आ गए, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो भक्त भी आ गए दर्शन करने के लिए, सब आ जाते हैं। और ये देखो हमारी भक्ताइन, क्या कह रहे हैं वो, तुझे उठा के लेके चल जाएंगे अपने साथ। चलो फिर आ जाओ, चलो अब नीचे, चलो चलो नीचे, नहीं उसे नीचे नहीं आना, उसे अब वो देखने मंकीज। हाँ ठीक है, टाटा कर दिया, चलो 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 नीचे, चलो चलो नीचे, मैं जा रहा फिर, मैं जा रहा, बाय बाय। इतनी चालू हो रखी ना ये, घर में आने का नाम नहीं लेती अगर एक बार घर से बाहर आ गई। गोली भाई को टाटा कर रही, गोली भाई को टाटा कर रही, वहाँ दे दो, क्या दे दो। अच्छा चलो अब नीचे, तो फिलहाल हम चलते हैं नीचे, हमारा झंडा लग चुका है। तो अभी हमारी सोन पापड़ी आ गई नहा के, और इसे ना एकदम मैं पढ़ रहा था और मेरा पेन छीन के भागी। लाओ भैया का पेन वापसी करो, भैया का पेन वापसी करो, भैया का पेन वापसी करो। और आप इतने क्यूट क्यों लग रहे, पहले बताओ तो सही, इतने क्यूट क्यों लग रहे हैं, इतने क्यूट क्यों लग रहे, क्या कह रहे कि पहाड़ी बच्ची हूँ मैं, तो क्यूट तो लगूंगी। अब मम्मी के पास चले गए, मम्मी दरवाजा साफ कर रहा ना। अच्छा ला मेरा पेन तो दे दे, ओए ला मेरा पेन दे, मेरा पेन दे दे दे, हाँ जा तू, बाय 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 बाय, हाँ ठीक है। तो गाइस अभी टाइम हो गया लंच का, और आज लंच में बनाने वाले हैं हम पहाड़ी दाल, जो कि मैं बनाऊंगा, जिसको हम पहाड़ी में कहते हैं चौंसा, जो कि बनती है उड़द दाल की। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनती है, चलो मेरे साथ। तो सबसे पहले लेंगे हम उड़द की दाल, क्योंकि हम चार पांच लोग हैं ना, तो आई थिंक चार पांच लोग के लिए बहुत है इतनी दाल। मम्मा से फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, मम्मी इतनी ठीक है दाल? अरे इसको भूनना पड़ेगा ना पहले, ठीक है ना? तो चलो अब करते हैं इसको रोस्ट फटाफट से। तो रखेंगे गैस के ऊपर कढ़ाई, और नीचे से जलाएंगे अपने गैस को। तो इसको ना हम डायरेक्ट ही इसमें डालेंगे, तो अभी इसे अच्छी तरीके से घुमाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से ना रोस्ट नहीं हो जाती। बस इसे जलाना नहीं है, मतलब काली नहीं कर देना, फिर वरना जलने की स्मेल आएगी। तो हमारी दाल ऑलमोस्ट ना भुन चुकी है, तो इसे निकाल देंगे हम साइड में ताकि ना ये ठंडी हो जाए। तो
तो अभी मैंने ये सब कट कर लिया, तो अगर आपके पास अदरक होगा तो अदरक भी ले लेना, मेरे पास था नहीं बचा हुआ तो मैंने लिया नहीं, और अगर सूखा धनिया होगा ना तो वो भी ले लेना क्योंकि उससे भी थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, मेरे पास वो भी खत्म हो रखा था। तो पहले मैं सबको कूट लेता हूँ, थोड़ा सा धनिया, तो अब इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे क्योंकि इसमें ना टमाटर वगैरह कुछ नहीं डलेगा। मेरा मसाला ना अच्छी तरीके से कूट चुका है, मतलब मसाला नहीं, वैसे ये मसाले का ही काम करता है। तो अब इस दाल को हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारी दाल अच्छी तरीके से पिस चुकी है, अब इसको ना इसी में डाल देंगे वापसी। तो अब डालते हैं इसमें तेल और बनाते हैं अपनी पहाड़ी दाल फटाफट से, क्योंकि भूख ना बहुत तेज लग रही सच्ची में। और दो लाल मिर्च, तो अब डालेंगे इसमें ये वाला पेस्ट। और अब डालेंगे इसमें हम दाल और थोड़ा सा आटा, बस एक कटोरी आटा का। अब इसको ना घुमाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन सा नहीं हो जाता पूरा। तो अब डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, तब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम पिसा हुआ नमक अपना, क्योंकि इसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। तो अब इसे 8 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए और हमारी दाल पक जाए। तो गाइस हमारी दाल ऑलमोस्ट पक चुकी है, अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया, और साइड में ना हमारे चावल भी पक चुके हैं। तो बस अब इसको 2 मिनट और ऐसे ही पकने देंगे, फिर उसके बाद इसे ना मम्मा को टेस्ट कराएंगे। तो हमारी दाल बन चुकी है, अब कराते हैं मम्मा को टेस्ट। तो लो मम्मी फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ। रवीना के मुंह में भी पानी आ रहा, कैसे लगी मम्मी? ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो चलो अब हम भी निकाल लेते हैं अपने के लिए फटाफट से। मैं भी लेके आ गया अपने के लिए, घी तो मैंने ज्यादा डाला है, और इधर ये सब बैठे हुए खाना खाने के लिए। तो चलो हम खाना खा के मिलते हैं आपसे। मम्मी लगी ना टेस्टी? और गोली ने ना 3 बार खा लिया, इतनी टेस्टी लग रहा है। रवीना का भी सेकंड टाइम है चावल लेकर। तो हमारी ना सोना भी उठ चुकी है, तो सोना भी अब बात खा रही। अच्छा लग रहा देखो, तो दाल टेस्ट कराते कैसी लगती है? टेस्ट तो कर एक बार, बेइज्जती मत करा प्लीज ना, एक बार मीठी चीजी है, चीजी। कैसी है? हाँ अच्छी है, देखा नाइस। हाँ रवीना धो यहाँ पे बर्तन, जो किसका काम है, बहुत बढ़िया, अच्छा सा दो। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं ये समाप्त, आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। सुना अच्छी लगी थी ना दाल? अच्छी बनी थी ना? हाँ अच्छी बनी थी। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।